नमस्कार पत्रिका टीवी के खास प्रोग्राम शीलीट फैमिली शो में आपका स्वागत है। शीलीट फैमिली शो में हाजिर हम एक नई शख्सियत के साथ। आज जो हमारे मेहमान हैं, ये इन्होंने अपना करियर 45 साल की उम्र के बाद शुरू किया था। ये राइटर भी हैं, ये सोशल वर्कर भी हैं, साथ साथ ही एक्ट्रेस भी है। हम बात कर रहे हैं रेणु कक्कड़ जी से। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका पत्रिका स्टूडियो में। नमस्कार मेरा सबको, और पत्रिका मंच का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। आप राइटर भी, आप लिखती भी हैं, आप एक्टिंग भी करती हैं, आप सोशल वर्क भी कर रही हैं, और आपने सारा काम जो शुरू किया वो 45 साल की उम्र के बाद शुरू किया था। वो टाइम ऐसा होता है कि जब लोगों को लगता है कि नहीं, हमारी उम्र हो गई, हमें आराम करना चाहिए। आपने उस वक्त अपना काम शुरू किया कैसे? क्योंकि पहले तो बच्चों को पढ़ाने में, लिखाने में और उनके करियर की चिंता रहती है जी, जी। तो मेरे दोनों बच्चे डॉक्टर हैं, तो उनके साथ में लगी रही। फिर जब बच्चे बाहर चले गए तो मुझे लगा मैं बिल्कुल खाली हो गई हूँ। तो एक टाइम होता है जब लेडीज को लगता है कि बस मुझे कुछ नहीं करना, अब घर पे ही रहना है। हाँ जी। तो वो डिप्रेशन की ओर चली जाती हैं, या फिर उनको लगता है कि हम तो शायद बीमार सी हैं। तो उस समय मुझे लगा कि शायद अभी मेरा सही टाइम आया है अपनी हॉबीज को पूरा करने का। जी, जी। और मेरे बच्चे भी बोलने लगे कि आपकी जो इच्छाएं पूरी नहीं हुई हैं, आप कुछ नहीं कर पाई हैं, आपकी जो हॉबीज हैं तो आप बिल्कुल फ्री हैं, अब आप भी करिए। तो फिर मैंने, पहले तो मैं घर से बाहर ही नहीं निकली थी। अच्छा जी। मेरे को घर के आसपास का भी नहीं पता था कि कहाँ कौन रहता है। फिर सबसे पहले मैंने डांस क्लासेस, योगा क्लासेस और बहुत सारे मतलब संस्थाएं भी ज्वाइन करी जी, ताकि मैं बाहर निकलूंगी तो एक्टिव भी रहूंगी। तो क्या हुआ, लॉयंस क्लब मैंने ज्वाइन किया जब जी, तो लेखक तो थी, मैं लिखती थी बहुत सारी। हाँ जी। जैसे आर्टिकल लिखती क्लब के लिए, मैं बहुत सारी रचनाएं लिखती, मुझे पोस्ट दी गई, जैसे कभी सचिव बनाया, कभी ट्रेजरर। हाँ बनाया। तो मुझे लगता मैं लिख तो पाती हूँ लेकिन अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाती हूँ जी, बोलने में बड़ी हिचक रहती थी मुझे। तो मुझे लगता मुझे नहीं जाना चाहिए। फिर मुझे किसी ने बोला कि आप थिएटर करिए। मैंने कहा आप थिएटर करूंगी तो अब थिएटर का क्या फायदा होगा, क्या करना होगा थिएटर करके मुझे। तो मैंने कहा ठीक है, चलो इस बहाने कुछ सीखेंगे, बाहर तो निकलेंगे ना। तो मेरा टाइमिंग ही नहीं ठीक बैठता था कि कैसे जाऊं, कौन मुझे लेके जाए। तो मेरे हस्बैंड ने ऑफिस जाते टाइम मुझे जवाहर कला केंद्र में एक महीना की क्लास थी जी, मुझे ले जाना और लाना शुरू किया उन्होंने। तो बोले चलो मैं तुम्हें छोड़ता हुआ जाऊंगा और वापसी में लेता हुआ आऊंगा। तो मैं 5-6 घंटे वहां पे रहती थी। हाँ। इतना वहां करते थे हम लोग, जैसे सारा दिन प्रैक्टिस करते थे, बहुत सारा काम भी करवाते हैं। देखो थिएटर में खूबसूरत खड़े रहो आप, प्रैक्टिस करो, चलो वॉक करो और एक्टिंग भी करके दिखाओ। हाँ। फिटनेस के प्रति भी करते हैं वो लोग। तो मैं बहुत थक जाती थी। वापसी में मेरे हस्बैंड बोलते कि खाना नहीं बना हुआ तो हम खाना भी लेके जाएंगे। हस्बैंड का बहुत ज्यादा सपोर्ट, बहुत ज्यादा घर परिवार के सहयोग के बिना तो देखो कुछ संभव ही नहीं है। तो फिर मुझे बड़ा अच्छा लगता। फिर मैंने कहा मैं बिल्कुल बोलना सीख गई हूँ। फिर मैं कहीं भी जाती, मतलब स्टेज मैंने संभाला, माइक में बोलती, खूब सारे मतलब डांस करती, गाने गाती, बहुत सारी संस्थाओं में मैं आगे रहने लगी। मैंने कम से कम 5-6 संस्थाएं ज्वाइन करी जी। तो उसमें काफी मेरी होल्डिंग रहती, फिर मुझे लगता कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, बहुत कुछ कर सकती हूँ। फिर मुझे अपना हुनर खुद ही पहचानने में आया कि हाँ मैं कर सकती हूँ। अच्छा रहा। उसके बाद फिर मुझे ऐसा भी लगा कि जैसे लेडीज सोचती हैं ज्यादातर कि अब क्या करना है, मैं महिलाओं को यही कहना चाहती हूँ कि कुछ भी करने के लिए कोई भी उम्र बाधक नहीं होती। अपनी हॉबीज को पूरा करने के लिए आपको कोई भी उम्र में कर सकते हैं, कर सकते हैं, आपको बाहर जाना चाहिए। इससे आपका ध्यान भी थोड़ा सा बीमारियों की तरफ कम जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, खाली घर पे बैठे रहेंगे तो हाँ बिल्कुल लगेगा। उसके बाद फिर मैंने अभी एक मैंने खुद का लिखा हुआ ही नाटक किया, उसमें भी मेरे को अच्छी भूमिका मिली। फिर करते करते मेरे को ये निर्भया कांड बहुत बड़ा था दिल्ली का, जो उसमें मुझे मदर की भूमिका मिली तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आ गया कि वो बहुत अच्छा वो था प्ले और बहुत सराहा गया। तो उससे मेरा हौसला बढ़ गया थोड़ा। फिर मुझे जी टीवी पे भी कई सीरियल करने को मिले और मूवीज भी मैंने 2-3 राजस्थानी की, मोसर की, शंखनाद की, अभी मैं सामरियारी मीराबाई कर रही हूँ नेड़ता में, अभी मैंने 3-4 दिन का शूट किया। जी।
सोशल, पहले आप सोशल वर्क कर रही थी, पहले सबसे पहले आपने लिखना शुरू किया? सबसे पहले मैं लिखती, लिखना शुरू किया। लिखने के बाद मैं अपना अपने जो दिल की भावनाएं थी वो बोल के व्यक्त करने लगी, तो स्टेज पे जाने लगी, तो मुझे स्टेज फियर भी खत्म हुआ एक बार, बोल सकती हूँ जी। उसके बाद फिर मुझे लगा कि हाँ, अंदर के जो काफी मेरे हुनर हैं वो मैं कर सकती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद तो मुझे बहुत सारा काम मिला, अभी मूवीज में भी मैं पंजाबी एल्बम भी, एक सॉन्ग में भी शूट किया अभी मैंने जी। तो अभी एक दो मूवीज के भी ऑफर है पंजाबी, तो मैं हर भाषा की, मतलब पहले तो मैं एक भाषा में भी बात नहीं कर पाती थी, अभी मैं तीन चार भाषा में मूवीज और सीरियल कर सकती हूँ। तो आपका जो पहला थिएटर, जैसे आपने कहा थिएटर आपने ज्वाइन किया, हाँ जी, आपको याद है पहला फर्स्ट प्ले कौन सा था, आपने किसमें पार्टिसिपेट किया था फर्स्ट प्ले? उसमें बंजारा प्ले था, और मेरे को वैसे बोलते थे कि मेरे को पहले तो जैसे यूथ ज्यादा थे थिएटर में, लेडीज बहुत कम होती थी, तो मतलब मुझे लोग ऐसे भी देखते थे कि बच्चे ऐसे कहते थे कि आंटी आप कर लोगी क्या? हाँ, मैंने कहा बिल्कुल, मैंने कहा आप सब लोग कर रहे हो तो आपको माँ भी तो चाहिए होगी ना इसमें। तो बहुत अच्छा लगा, साबिर खान जी की क्लास मैंने की, तो उसमें मेरे को काफी अच्छे रोल मिले। और अभी तो जो मैं मूवी कर रही हूँ मीराबाई, उसमें तो मीराबाई की दादी की भूमिका जो मेन ही है वो मिली है मुझे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थिएटर के बाद फिर आपने मूवीज में काम? हाँ, मूवीज में। पहली मूवी आपकी कौन सी थी? अभी मेरी शंखनाथ थी, उसमें तो मेरा छोटा सा रोल था। उसके बाद मुझे मोसर, जो मतलब एक सामाजिक कुरीति पे आधारित मूवी है, मतलब मृत्यु बोझ को कैसे खत्म किया जाए, उसमें मुझे माँ का रोल मिला मेन हीरो के, तो काफी अच्छा लगा। गांव-गांव में चल रही है अभी वो पिक्चर, बहुत चली है, जयपुर में भी लगी, अभी बहुत चलेगी वो मूवी। उसके बाद मुझे अभी सांवरिया री मीराबाई का दादी का रोल मिला है, तो काफी मुझे मुझे अपने से बहुत बड़ी उम्र की करने में भी खुशी हो रही है, क्योंकि मुझे उसी में अपना फ्यूचर दिखता है। हाँ जी, 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 मुझे लगता है मैं 60-70-80 साल तक काम कर पाऊंगी। तो आपके अंदर कहीं माइंड में ये चीज थी कि मुझे एक्ट्रेस बनना है? नहीं नहीं, नहीं, नहीं सोचा था आपने? बिल्कुल नहीं सोचा था, क्योंकि मैं तो लिखती थी, मुझे लेखन का तो शुरू से ही था, क्योंकि मेरे फादर मतलब काफी लिखते थे, तो मुझे लेखन के प्रति तो मेरी रुचि थी, अच्छा लगता था। मुझे लगता था ठीक है, मेरे आर्टिकल्स आते हैं मैगजीन्स में, ग्रैशो व मनोरमा, पत्रिका भास्कर, सब में मेरे आर्टिकल, और ट्रैफिक वार्डन हूँ मैं, और ट्रैफिक में भी मैं बच्चों को अपने स्लोगन और पोइम्स के द्वारा ट्रैफिक अवेयरनेस पे मैं कविताएं अपनी देती रही जी। तो क्योंकि बच्चों को क्या है, कविताओं से ही ज्यादा जल्दी असर होता है अवेयरनेस। हाँ, ये तो जल्दी समझते हैं। हाँ, हेलमेट लगाने का या ट्रैफिक रूल्स बताने का, उसके लिए मुझे ट्रांसपोर्ट मंत्री जो है ये यूनुस खान जी ने मुझे सम्मानित किया। तो फिर लिखने का तो मेरे को शुरू से था, लेकिन मैं बोल नहीं पाती थी इतना कि मतलब कैसे वो करूँ। तो बस वो थिएटर करने के बाद फिर काफी चेंज आ गया। और मेरा तो ये मानना है कि लेडी जो सोचती हैं कि अब क्या करना है इस उम्र में, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि कुछ भी करने के लिए आपका जुनून, आपका काम करने की जो क्षमता है वो अंदर से ही आपके वो रहती है कि आपको कुछ करना है, तो उम्र कभी बाधक नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल, हर महिला को कुछ न कुछ करते ही रहना चाहिए, क्योंकि खाली तो बिल्कुल रहने से क्या है, आपको हर टाइम ये लगेगा कि मैं अकेली हूँ, मेरा काम सिर्फ घर परिवार देखना है, मुझे कोई नहीं पूछता है, और वो डिप्रेशन की ओर चला जाता है। आपने अपनी आइडेंटिटी जो बनाई वो आपने 45 साल के इसके बाद? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और मैं अपने आप को काफी फिट और स्वस्थ मानती हूँ जी, क्योंकि मेरी सोच, पॉजिटिव सोच ही मुझे बहुत इस मुकाम तक ले आई। मूवीज का किस तरह से मिली आपने, ऑडिशन वगैरह दिए थे मूवीज के या किस तरह से किया आपने? जैसे मैं वो प्ले करती थी अपना ये रविंदर मंच पे, ज्वारकला के अंदर पे, तो वहाँ रहता है ऐसे कि जो कलाकार होते हैं वहाँ जो करते हैं उनको काफी अच्छा का, अपने आप ही मतलब बिना ऑडिशन के भी वहाँ पे सिलेक्शन। आपका काम देखा है, उसके बाद उन्होंने आपको मूवी में ले लिया, एक्सपीरियंस किस तरह का रहा आपको मूवीज में? आपने काम किया है, थिएटर और मूवी दोनों बहुत अलग अलग चीज, बहुत अलग अलग चीज है। मूवीज में तो मेरा बड़ा नेचुरल सा काम ही अच्छा रहा, क्योंकि जैसे मुझे माँ का रोल ही दिया गया है, जैसे एक जवान बेटे की माँ का रोल दिया गया, तो वो मैं थी भी और मेरी भावनाएं भी वैसी थी, तो मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं प्रोफेशनली ऐसा कर रही हूँ, या मुझे एक ऐसा था कि हाँ मुझे अच्छा लग रहा है, एक परिवार के अंदर मैं दो बच्चों की माँ हूँ, मेरे को रोल भी ऐसा मिल रहा है, मैं कर रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, और एक नेचुरल सा लुक आता था, अच्छा लगता था। पर मुझे कुछ ऐसा नहीं था कि मुझे बहुत ज्यादा बड़ा ही बनना है या कुछ ऐसा है कि कोई, ठीक है अपना शौक भी पूरा हो रहा है, मन भी अच्छा है, हम फिट भी हैं, स्वस्थ भी हैं,
और खुशी भी मिलती है इस आपको फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, आपने बोला बच्चों ने सपोर्ट किया, बिल्कुल बिल्कुल, हस्बैंड आपको छोड़ते ड्रॉप करते थे, आसपास के लोग का रिएक्शन कैसा था? सोसाइटी में बहुत सारे हर तरह के लोग होते हैं, कभी उन्होंने किसी ने बोला कि 45 साल की उम्र हो गई है आराम करो बजे ये सब करने की, इस तरह की चीज सुनने में आई आपको? बिल्कुल, ये तो मैं आपको बताने ही वाली थी, जैसे समाज में तो ऐसा रहता ही है, देखो आस पड़ोस के लोग भी हैं, चाहे मतलब आपके रिलेशन में भी होंगे कुछ, कहते हैं ना बहुत आसान है बुध होना, बहुत कठिन है स्त्री होना, क्योंकि चुपचाप से रात को निकल जाना, घर परिवार को छोड़कर, सोते हुए बच्चे को छोड़कर, एक सत्य की खोज की ओर, क्योंकि ना आप पर उंगली उठेगी, ना आप पर लांछन लगेगा, ना आप पर तोहमत लगेगी, लेकिन क्या आप सोचा आपने कभी, वही स्त्री रात को सोते हुए बच्चे को छोड़कर, घर परिवार को छोड़कर, पति को छोड़कर निकल जाए किसी सत्य की खोज में, तो कितनी यातनाएं, कितने लांछन, कितनी तोहमतें लगेंगी आप पर, पूरा की पूरा समाज खड़ा हो जाएगा आपके विरुद्ध, तब पता चलेगा क्या है सत्य, कहां चले हम सत्य की खोज में। बहुत कठिन है स्त्री होना, बहुत आसान है बुद्ध होना। बहुत अच्छी कविता आपने लिखी है, बिल्कुल बहुत ही अच्छी कविता है, और मैं यही कहती हूँ कि बहुत हर क्षेत्र में कठिनाइयां आती हैं, जब हम बाहर जाते हैं तो जैसे हर किसी को लगता है अरे अब आपको क्या जरूरत है, लोगों को लगता है कि पैसा ही सब कुछ है, कि आपके पास आपके हस्बैंड बहुत अच्छा कमा रहे हैं, आपके बच्चे डॉक्टर हैं, आपको क्या जरूरत है, लेकिन जो अंदर की भावनाएं होती हैं आपकी या आपके शौक होते हैं, उनको आप दबा कर रखोगे, दबा करके चलोगे, तो वो भी आपको जीवन जीवन नहीं लगता, नहीं लगेगा, बिल्कुल। रेणु मैम बातें और बहुत सारी आपसे करने लगी, पहले ब्रेक ले लेते हैं छोटा सा, उसके बाद फिर आपसे और बातचीत करेंगे, बिल्कुल। तो शी लीड फैमिली शो में फिलहाल रहते हैं छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी रेणु जी से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे पत्रिका टीवी के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं शी लीड फैमिली शो, हमारे साथ है रेणु मैम। ये तो सर आपने काम काज के बारे में बताया, किस तरह से आपने स्टार्ट की अपनी जर्नी और यहाँ तक आप पहुंची हैं, पंजाबी सॉन्ग भी अभी शूट हुआ है। हाँ जी, जी। वो जीती जगजीत सिंह सिंगर है पंजाब के, बहुत अच्छे, उनकी एक एल्बम शूट थी, तो वो बोले कि आप तो माँ ही बनोगी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, और पंजाबी मूवीज के भी अभी एक दो हाँ है जी, तो ठीक है, मैं तो सब भाषाओं में कर सकती हूँ। आपने राजस्थानी में काम किया, पंजाबी की तरफ पंजाबी में, हिंदी में, और भी कुछ एक दो थोड़ा सा गुजराती में भी अभी ऑफर आया। आपने कहीं टीवी शो भी किए? हाँ जी, मैंने अभी क्या वो दिव्य चैनल पे भी किया थोड़ा सा, जी टीवी पे भी मैंने एक दो सीरियल किए, और सब टीवी पे भी किया। ओके, सब टीवी पर तो सारा कॉमेडी से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी आपकी काम से रिलेटेड बात हुई। आपने बच्चों के बारे में मुझे बताया, दोनों बच्चे आपके डॉक्टर हैं, बिल्कुल। हस्बैंड के बारे में मैं जानना चाहूंगी, हस्बैंड के बारे में बताइए। मेरे हस्बैंड काफी खुले विचारों के हैं, खूब एडवांस हैं, उनको कभी ऐसा नहीं लगता कि तुम ये मत करो वो मत करो, आप अपनी लाइफ अपने हिसाब से जियो, आपको जैसे अच्छा लगता है। उन्होंने कभी ऐसे डीमोटिवेट नहीं किया है कि आपको ये नहीं करना चाहिए, तो हम लोग खाना भी नहीं बने बोले तो आपको जरूरत नहीं है बहुत अच्छे से आपके ये मतलब हर रोज उनका पूछना रहता है कि आज आपसे खाना नहीं बनेगा तो खाना लेके आएंगे, बस अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, पढ़े लिखे हैं, उनको फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, कभी उन्होंने रोक टोक नहीं की कि ये नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, ये नहीं पहनना, और बच्चों को पढ़ाया लिखाया, इसी वजह से आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं। परिवार के बिना तो ये सब संभव ही नहीं होता। आपकी एजुकेशन वगैरह सब कहाँ से हुई? आप जयपुर से ही हैं मूल रूप से या कहीं वहाँ? नहीं, मैं बेसिकली गंगानगर से हूँ जी, वहाँ मैंने MA इन हिस्ट्री किया है, तो ससुराल वालों ने भी शुरू से ही कहा कि जरूरी नहीं है कि आप पैसा कमा करके ही किसी का सहयोग करें, एक अच्छी पत्नी, अच्छी माँ, अच्छी गृहिणी होना भी एक बहुत बड़ा सहयोग है। बिल्कुल बिल्कुल, तो मेरे हस्बैंड को शुरू से ही था कि बच्चे पढ़ जाए, अच्छा बन जाए कुछ, तो घर संभालोगी तो बहुत बड़ा सहयोग है, क्योंकि वो भी बिजनेस में बहुत बिजी रहे, तो उनको लगा घर परिवार देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात। बाकी और क्या हॉबीज, इंटरेस्ट क्या है मैम इन सब चीजों के अलावा? ये तो आपका करियर ही एक तरह से खुला है। फिटनेस के प्रति भी मेरे को काफी लगता है कि जैसे मैं योगा वगैरह करती रही हूँ, रामदेव बाबा से भी मैं रूबरू मिली हूँ, योगा क्लास जाती रही हूँ, उसके बाद खाना भी मैं खुद बनाती हूँ, कह
कहते हैं ना, स्वस्थ तन तो स्वस्थ मन। बिल्कुल, तो जीवन में ये बहुत बड़ा हिस्सा है कि हम स्वस्थ हैं तो आपकी सोच भी स्वस्थ रहेगी। बिल्कुल, वो तो है। अच्छा सोचेंगे, अच्छा खाएंगे तो अच्छा सोचेंगे। आप क्या करती हैं अपनी फिटनेस को बरकरार रखने के लिए? आप क्या करती हैं, आपका प्लान मुझे बताइए, क्या है, आप किस तरह से करती हैं सारी चीजें? बस मेरा ये तो नहीं कहना कि मैं 4 बजे उठती हूँ, 5 बजे उठती हूँ। जब भी उठती हूँ तो बस ईश्वर पे मेरी बहुत आस्था है। मैं सबसे पहले ही आज के दिन की शुरुआत भगवान के दर्शन के साथ ही करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ जो हमारा कल बीता है। ईश्वर में मेरी बहुत आस्था है और मैं पॉजिटिव सोचती हूँ, क्योंकि अभी इतना कुछ करने के बाद भी मैं सुंदरकांड, अमृतवाणी, भजन कीर्तन, कोई भी प्रोग्राम ऐसा नहीं है कि जहाँ मैं नहीं जाती हूँ। इनके लिए आप टाइम कैसे निकालती है? इनके लिए काम आप कर रहे हैं, ये सबसे पहले है ये टाइम जरूर। मतलब मैं वो काम आगे किसका आता है, जैसे मंगलवार को हम सुंदरकांड में मैं एक वो भी एक संस्था ही मतलब करती है। हाँ। तो मंदिर वालों ने भी मुझे जोड़ रखा है तो मैं उसमें भी जरूर जाती हूँ। और एक टाइम ऐसा था मुझे लगता था कि मेरे पैरों में बहुत दर्द है, मैं तो बैठ ही नहीं पाऊंगी। अब मैं 3 घंटे नीचे बैठ के सुंदरकांड भी कर सकती हूँ और मुझे बहुत इंटरेस्ट है। बस ईश्वर पे विश्वास और अपने लक्ष्य को सच्ची लगन से काम करना, यही मुझे स्वस्थ लगता है। मुझे तो यही लगता है आपसे बहुत सारी महिलाओं को इंस्पिरेशन मिलने वाली है। बिल्कुल, मान के जल्दी की हमारी उम्र होगी 40 के बाद। नहीं, बिल्कुल नहीं है। मुझसे तो आस पड़ोस वाले कई लोग पूछते हैं कि सुबह भी आप घूमने जाती हो, शाम को भी पार्क जाती हो, दिन भर काम भी करती हो, इतना आपको कैसे स्वस्थ? मैं कि इतना हम सोचते ही नहीं है उस टाइमिंग को, इतना सोचते ही नहीं कि ये टाइम उसका हंसी खुशी अपन जो काम करते हैं वो आपको स्वस्थ ही रखेगा। काम को कभी बोझ भी नहीं माना है मैंने। जैसे इजी वे में घूमना, ऐसे जरूरी नहीं है कि हम मतलब ऐसे कैसे होगा, ये सब कैसे होगा। ठीक है, अपना खाना खाना, रेस्ट करना, फिर शाम को घूमने जाना, फोन भी करना, बातें भी करना, मंदिर में भी जाना, तो सब इजी वे में लेना चाहिए सबको। आपके जो पेरेंट्स थे उन्होंने सोचा था कि शादी के बाद इतने सालों के बाद आप इस तरह का कुछ करेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा था। मेरी मदर, उनका रिएक्शन क्या था जब आपको उनको पता चला कि आपने थिएटर और ये सारी चीजें ज्वाइन करी? काफी बहुत बहुत हैरान होते हैं। मेरी मदर 80 ईयर्स की है तो वो बेड पे हैं बिल्कुल जी। लास्ट ईयर मदर्स डे पे बहुत बड़े उनके फोटो के साथ, मेरी फोटो के साथ आर्टिकल छपे, तो उनको देख के मतलब उनको भी लोगों ने बधाई दी, तो उनको अपने आप को पेपर में मेरे साथ देख करके बहुत अच्छा लगता था कि बात तो बहुत अच्छा लिखती है, अच्छा कर रही है। हाँ। तो पेरेंट्स को तो बहुत अच्छा लगा, मेरे परिवार के सब बहन भाई हैं, सबको बहुत अच्छा लगता है। फ्यूचर प्लान्स क्या है, आगे और क्या सोचा है आपने करने के लिए? आगे तो बस मैं ये मूवीज का, या भी मैं बहुत दूर नहीं जाना चाहती। जैसे मेरे हस्बैंड और मैं अकेले ही रहते हैं जी, तो मुझे लगता है ठीक है 1-2 दिन में कहीं जाती हूँ, तो जैसे मैं राजस्थान में कुछ शूट करूँ और वापस मैं अपने घर पे ही रहूँ, क्योंकि बच्चों को भी थोड़ा रहता है कि आप दोनों साथ में हो तो भी पापा भी अकेले रहेंगे, तो मैं घर पे ही रहना चाहती हूँ। यहीं रह के छोटा मोटा काम हॉबीज के ये कर रही हूँ। मुझे कोई ऐसा नहीं है कि मैं कुछ ऐसे अर्न करने के लिए या कुछ कर रही सेल्फ सेटिस्फेक्शन, क्योंकि जितना मैं कमाऊंगी नहीं उससे ज्यादा मैं अपना सोशल, जैसे बेटियों को पढ़ाने में, किसी गरीब बेटी को पढ़ाने में, और काफी ऐसी संस्थाओं को मैं अपना देती रहती हूँ। जी जी, एजुकेशन वगैरह सब आपकी कहाँ से हुई? मेरी हनुमानगढ़, गंगानगर से। अच्छा, गंगानगर। वहाँ फैमिली में कौन कौन है आपके? वहाँ तो अभी मेरे ब्रदर हैं जो जयपुर शिफ्ट हो गए हैं, 2-1 ब्रदर डॉक्टर हैं दिल्ली में। सब फैमिली वेल सेटल्ड है। बस मेरे पेरेंट्स ने मुझे संस्कार इतने अच्छे दिए हैं कि ना झूठ बोलना, ना किसी को परेशान करना, गुस्सा नहीं करना, और जो भी करना है कम करना, लेकिन बहुत अच्छा करना है। और यही संस्कार मेरी बेटी में है। मेरी बेटी टोरंटो में है अभी, उसकी भी एक बेटी है, तो उसको वही मेरे, आपको देखिए कोई भी ये नहीं कह सकता कि आपकी बेटी की भी बेटी होगी। बेटी की बेटी भी स्कूल जाती है, तो बहुत से लोग यही कहते हैं। तो हम फ्रेंड्स के जैसे रहते हैं, मेरी बेटी और मैं बिल्कुल फ्रेंड्स लगते हैं एकदम। तो बस अच्छा लगता है, क्योंकि उसको भी मैं यही कहती हूँ कि जो भी करो, जितना भी करो, हंसी खुशी करो, किसी भी काम को बोझ मत बनाओ। हाँ जी बिल्कुल। महिलाएं क्या सुबह उठते हैं ये टेंशन लेकर के उठती हैं, अरे आज तो काम भी बहुत है, आज ये है वो है, काम तो पूरा दिन ही रहेगा। हाँ। सब काम रहेंगे, लेकिन वो हंसी खुशी से करोगे तो आपके चेहरे पे भी वो भाव आते हैं, आपकी बॉडी पे भी आते हैं, प्लस आपके खाने पे भी वो आ जाते हैं। तो जो भी करो हंसी खुशी से करो और खुश रहना ही चाहिए, सबसे बड़ा तो यही राज है। जैसे आपने बताया कि हस्बैंड ने आपको बहुत सपोर्ट किया, जब आपको छोड़ते थे लेके भी जाते थे, बॉन्डिंग बहुत अच्छी है आप दोनों की। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है ना कि
जहाँ बॉन्डिंग प्यार होता है वहाँ झगड़ा छोटी मोटी तकरार भी जरूर होती है। हाँ ये तो देखो बहुत से रीजन बन जाते हैं कि जैसे कभी उनको थोड़ा सा भी गुस्सा आया या मुझे उनको भी आया, जैसे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे बिजनेस है या बच्चे भी बाहर है, अकेलापन भी है, तो मैं ये मान लेती हूँ कि जरूरी नहीं है कि उनको मेरे पे गुस्सा आ रहा है, रीजंस बहुत सारे बन जाते हैं। तो इसलिए कभी उनको गुस्सा आता तो मुझे चुप रहना बहुत जरूरी होता है, या कभी मेरा मूड ठीक नहीं है तो वो तो बहुत आराम से बहुत शांति से सब कुछ देखते हैं। तो इसलिए कभी ऐसा होता नहीं है कि बात बहुत बढ़ जाए या लड़ाई झगड़ा हो। ये तो हमारे परिवार में भी हमारा उदाहरण है, क्योंकि बड़ी शांति से हमने काफी टाइम ऐसा देखा है कि सीख जाता है इंसान कैसे एडजस्ट करना अपने आप को, तभी आज यहाँ तक पहुंचा, नहीं तो बच्चे बड़े डिस्टर्ब होते हैं। जी जी जी, आपने फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी दी, उसके बाद आपने बाकी चीजों के बारे में, क्योंकि कोई भी इंसान है अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, एक बार बच्चे भी छोटे होते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई की भी चिंता होती है, बिजनेस की भी होती है, बहुत सारी टेंशन होती है, तो वो बाहर तो किसी से नहीं झगड़ा कर सकते, कह नहीं सकते, तो कुछ भी जरा सा भी, और जेंट्स को थोड़ा सा रहता है कि वो अपनी फैमिली में ही आके निकलता है। हाँ, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मना था कौन है, चलिए तकरार तो हो गई, मनाने की शुरुआत आपकी तरफ से होती है या उधर से होती है? उनको तो वो थोड़ी देर बाद ये भी ध्यान नहीं रहता कि मैंने इसको कुछ कहा या हमारा झगड़ा हुआ है, मतलब आराम से, उनको तो बिल्कुल भी ये याद नहीं है कि हम कुछ ऐसी बात हुई है, तो वो ही बात करते रहते हैं मेरे से। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कभी उनके मन में ऐसा नहीं आता है कि बहुत बात को लंबा खींचा जाए जी। या बहुत देर तक नाराज रहे। और अब तो खैर बहुत मतलब 10-12 सालों से हमारे बच्चे बाहर है, तो हमें लगता है कि हम दोनों ही रूठ जाएंगे तो हमें मनाएगा दोनों। तो इसलिए एक दूसरे के बिना भी रहना मुश्किल है। अब हम ही दोस्त हैं, हम ही परिवार हैं और हम ही सब कुछ है। मैम आपकी ये तो आपने बताया फैमिली के बारे में बताया, मैं खाने पीने का मुझे आप बताइए आपका शेड्यूल क्या रहता है, क्योंकि जिस तरह से आपने अपनी फिटनेस बरकरार रखी है तो खाने पीने में बहुत कंट्रोल करती है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, जो अच्छा लगता है वो तो खाती हूँ, लेकिन ओवर नहीं खाती हूँ। जैसे मुझे कोई चीज, जैसे आज मैंने कुछ स्नैक्स खा लिए तो फिर मैं खाना छोड़ देती हूँ, खाना नहीं खाऊंगी, एक टाइम का कर दिया वो, जैसे लंच नहीं किया तो फिर ठीक है डिनर पे। और 8 बजे तक हम लोग खाना खा लेते हैं, मेरे हस्बैंड और मैं भी, वो भी 60 ईयर्स के हो गए, नहीं लगते नहीं है, लेकिन क्योंकि हम लोग हरी सब्जी अच्छा खाना, मेरा तो बार बार यही कहना है कि जो अच्छी सोच है ना आपको, आप कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा मत सोचिए कि हमको ये खाना है ये पीना। कई लोग बोलते हैं हम फ्रूट्स खाएंगे इसमें, जूस पियेंगे हम, ये करेंगे, हमें तो बहुत ये खाना है, वो सब कहने की बातें हैं। अगर आप थोड़ा सा अच्छी सोच से, खुशी खुश होकर के, अच्छे मन से, एकदम साफ सुथरे दिल से जो पकाएंगे आप, कुछ भी खाएंगे, वो आपके तन को और मन को जरूर लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अपने बच्चों को कुछ कहना चाहे तो आप, मैं चाह रही थी अपने बच्चों को कोई भी मैसेज जॉब देना चाहे आपकी तरफ से? मैं तो यही कहना चाहूंगी कि अपने काम का जुनून और साफ दिल से किया गया कोई भी काम, अपने लक्ष्य को आंखों के सामने रखें और जो भी करें सच्चे मन से करें और लगन से करें। कुछ भी काम ऐसा नहीं है, देखो ईश्वर भी हमारे साथ रहता है, ईश्वर भी कहता है उदास ना हो, मैं तेरे आसपास ही हूँ, पलके बंद कर और दिल से बात कर, दिल में याद कर, मैं कुछ नहीं तेरा विश्वास ही हूँ। ईश्वर भी हमारे साथ होते हैं, अच्छी सोच अच्छी लगन और कोई भी काम को आप सच्चे दिल से करते हैं, चाहे पढ़ाई करें चाहे जॉब करें, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सच्चे दिल से करें अच्छी लगन से करें तो आप जरूर सफल ही होते हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोले। चलते चलते मैं चाह रही थी कि आप कविता लिखती है तो आपकी कोई कविता और हो जाए हमारे दर्शकों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ लोग बोलते हैं मुझे कि कैसे आप मैनेज करती हैं और क्या सोचती हैं, कैसे अपने आप को फिट रखती हैं, कैसे खुश रखती हैं, कहाँ से सीखा आपने? तो मैं तो अपनी लिखी 2 लाइनें खुद के लिए ये कहना चाहूंगी, समंदर से सीखा है मैंने जीने का सलीका, समंदर से सीखा है मैंने जीने का सलीका, चुपचाप से बहना और अपनी ही मौज में बहना। बिल्कुल, आपसे बहुत सारी महिलाओं को आज इंस्पिरेशन मिलने वाली है, उन महिलाओं को, कई महिला ऐसी होती है जैसे आपने, बिल्कुल भी कंडीशन आपकी ऐसी रही है कि मेरे घर में कोई है नहीं, कोई मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है या मेरे को करने के लिए कुछ नहीं है और डिप्रेशन में पहुंच गई। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो शुरू में डिप्रेशन में पहुंच गई थी, जैसे मुझे लग रहा था कि मेरे सिर में दर्द रह रहा है या मैं कभी किसी, जब मेरे बच्चे भी थोड़े से अभी डॉक्टर नहीं बने थे तो मैं डॉक्टर के पास जाती थी, तो मुझे ज्यादातर डॉक्टर्स ने डिप्रेशन की ही दवाइयां दी जी। उनको लगता था कि मतलब वो सारे टेस्ट करते थे तो कुछ आता नहीं था, तो डिप्रेशन
तो मेरे बच्चों ने बहुत मुझे मोटिवेट किया, डिप्रेशन से बाहर निकाला उन्होंने। वो मुझे कॉपी पेन देते कि आप इस पे लिखो, आप इस पे। तो मैंने बोला बेटा मुझे मेल करना नहीं आता। बोले आप लिखो। हाँ, वो मेल करते, फिर मुझे मेल करना सिखाते, पोस्ट करके आते। फिर वो मेरी कविताओं के लिए, मेरे हस्बैंड ने एक पूरा बहुत बड़ी फाइल लगाई, उसमें मेरी जो भी छपती उसमें कटिंग करके उसमें लगाते। तो वो बार बार मुझे दिखाते भी थे कि देखो आप तो बहुत कुछ कर सकते हो, आप ऐसे सुस्त क्यों रहती हो। तो फिर उसके बाद मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे को काम करते हुए भी मेरे हस्बैंड ने और मेरे बच्चों ने मेरा बहुत साथ दिया है। आपने हिंदी में भी काम किया, राजस्थान में काम किया, पंजाबी में आप काम कर रही है, और भी किसी लैंग्वेज में अगर ऑफर मिलता है तो आप जाएंगी? बिल्कुल, अभी मेरे को गुजराती में भी बात चल रही है तो मैं जाऊंगी जरूर। जी, अच्छा कोई रोल माँ का मिले और बहुत पॉजिटिव रोल मिलता है तो मुझे करना बहुत अच्छा लगता है। मतलब अप्रोच पॉजिटिव है, इसलिए बिल्कुल बिल्कुल। और मैं पैसे को भी बहुत प्रेफरेंस नहीं देती हूँ। मेरा जो पैसा होता है मैं अपने सामाजिक कार्यों में लगाती हूँ। जैसे गरीब, ये कच्ची बस्ती में लड़कियों की शिक्षा पे भी मैंने खर्च किया है। अभी मेरी जो काम वालियाँ हैं उनके बच्चों पे, या मेरे को लगता है उनपे भी थोड़ा बहुत मुझे जीवन का कुछ भी अपना जी एक ये चीज कैसे है? ये सोशल वर्क भी आपको करना है? ये तो पता नहीं, मेरे बचपन से ही संस्कार थे कुछ। फिर हम दोनों हस्बैंड वाइफ की यही सोचा है कि थोड़ा बहुत अपने जो कमाई का हिस्सा थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं, अब खुद के लिए जिया तो क्या जिया, थोड़ा बहुत तो किसी को पढ़ाना या किसी को देना जी, किसी के लिए कुछ भी करना आपको, ये तो बहुत बड़ी खुशी देता है। ये खुशियाँ खरीदी नहीं जाती, बिल्कुल ये अंदर से ही आती है। आप किसी की सेवा या किसी की मदद करके देखिए तो आपको बहुत खुशी मिलेगी। और सबसे बड़ा यही है, आपके स्वस्थ रहने का राज भी यही है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम अपना पैसा बीमारी में या कि मेडिसिन में लगाएं। जी, आप अपने आप को कहीं किसी की सेवा, किसी की सहायता करके तो देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। चलते चलते हमारे दर्शकों को जो भी मैसेज आप अपनी तरफ से देना चाहे वो मैं चाह रही थी। मैं तो सभी से यही कहना चाहूंगी कि अपनी सोच को सकारात्मक रखिए, बिल्कुल नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। अच्छे लोगों से जुड़िए, अच्छी बातें कीजिए, अच्छी मदद कीजिए, और भगवान पे भरोसा रखें तो ये आपके जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि आप बहुत अच्छा जीवन जी पाएंगे। मैम आपकी सोच है वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव थिंकिंग है, वो आपके चेहरे पे भी दिखाई दे, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी में वो चीज नजर आ रही है। और हम चाहेंगे कि आपकी पंजाबी मूवी के बाद और भी ढेर सारी मूवीज में आप काम करें, बिल्कुल, और हमें आपको देखने का मौका मिलेगा टीवी के। अभी मेरे को एक मतलब धार्मिक फिल्म करने का भी एक मन है जी, जैसे सालासर बालाजी है, ऐसे मतलब खाटू श्याम जी पे, तो वो मेरी एक तमन्ना है, वो मैं जरूर करूंगी। जो सोचा है वो तो आपके लिए, वो मेरी आस्था है, मुझे करनी चाहिए, जरूर करूंगी। जी जी, शुक्रिया मैम, आए पत्रिका स्टूडियो, अपना टाइम दिया आपने। धन्यवाद आपका, थैंक यू मैम, थैंक यू। तो ये थी शी लीड फैमिली शो में हमारे साथ रेणु कक्कड़ जी। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।